अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज की वीडियो में मैं अपनी गाड़ी के इंजन बे की वायरिंग असेंबल करूंगा। जैसे कि आपको दिख रहा है ये वायरिंग जो है ऐसी ही बिखरी पड़ी हुई है, तो आज मैं इनको क्लीन लुक दूंगा। तो ये आपको पाइप दिख रहा होगा, ये मैं लेकर आया हूँ, ये प्लास्टिक का है। वायरिंग स्लीविंग करने से एक बहुत ही अट्रैक्टिव लुक आता है और गाड़ी का इंजन बे बहुत क्लीन लगता है। तो आप ये बिफोर आफ्टर में देख सकते हैं, ये बिफोर और ये आफ्टर कितना फर्क आ गया है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ बिना किसी टाइम वेस्ट किए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सबसे पहले आप जब भी वायरिंग का कोई भी काम करें, सबसे पहले आप बैटरी को रिमूव कर लें, वरना कोई भी वायरिंग का शॉर्टेज हो सकता है। बैटरी रिमूव करने के बाद आपको एयर फिल्टर रिमूव करना है, ताकि आपको वर्क स्पेस मिल जाए और आपका हाथ कहीं अटके ना। सबसे पहले हम ड्राइविंग साइड वाले पिलर की वायरिंग करेंगे, और फिर इसको स्लीविंग करेंगे, उसके बाद स्पार्क प्लग्स की स्लीविंग करेंगे, और उसके बाद बैटरी वाली साइड की स्लीविंग करेंगे। हम हॉर्न, पार्किंग और हेडलाइट प्लग्स अनप्लग कर रहे हैं, ताकि हम आसानी से उसे वायरिंग कर सकें। और फिर एक बात का ध्यान रखना है कि जहाँ से जिस चीज़ को अनप्लग किया था उसको उसी जगह पर लगानी है। हम पार्किंग वगैरह छोटी तारों पर पाइपिंग नहीं कर रहे, क्योंकि उनको कभी भी अनप्लग करना पड़ जाता है। हम से उस पर टेप भी करेंगे, ताकि वाटरप्रूफ हो जाए और पानी ना जाए और स्टेबल भी रहे। जो वायर आपने जहाँ से डिसकनेक्ट करी थी वहीं पे कनेक्ट करिएगा, और मेक श्योर आपकी बैटरी रिमूव हो, वरना कोई भी शॉर्टेज हो सकता है अगर आप गलत तार लगाएं। और सब तारे कनेक्ट करने के बाद एक दफ़ा सब चेक कर लीजिएगा कि सब चल रहा है या नहीं। ये विंडशील्ड का प्लग है, हमारी विंडशील्ड बॉटल तो है नहीं। अगर आपकी बॉटल लगी हुई है तो आप उसे रिमूव कर लीजिएगा, ताकि आपका हैंड एक्सेस अच्छे से हो सके और आपका हाथ अड़ जगह जा सके। पार्किंग वगैरह इन सब की वायरें जहाँ पे मर्चों के एक साथ हो रही है, वहाँ पे हमने पहले से टेपिंग करी हुई थी, बस अब हम वहाँ पे पाइप चढ़ा देंगे और उसको स्लीप कर देंगे, फिर ऊपर से भी टेपिंग कर देंगे, ताकि अच्छी तरह वाटर प्रूफ हो जाए और पानी ना जाए। ड्राइविंग साइड वाले पिलर की वायरिंग स्लीव्स हो गई हैं, अब स्पार्क प्लग की करते हैं। उसको करने के लिए सबसे पहले आपने पाइप को कट करना है, फिर ऊपर चढ़ाना है, और फिर उसके ऊपर टेपिंग करनी है। पाइप का साइज काफी छोटा था, तीनों स्पार्क प्लग एक ही पाइप में नहीं आ रही थी, इसलिए हमने दो स्पार्क प्लग को एक पाइप में कर दिया, और जो एक बची थी उसको हमने अलग से एक पाइप में कर दिया। और फिर पाइप स्लीविंग करने के बाद हमने इसके ऊपर सही से टेपिंग कर दी, ताकि वाटर प्रूफ हो जाए और अंदर कोई भी पानी ना जाए। जैसे कि हमने ड्राइविंग साइड वाले पिलर की वायरिंग करी थी और उसे टेपिंग, वैसे ही हम पार्किंग वगैरह की जो छोटी वायरिंग है उसे हम असेंबल करेंगे। आप देख सकते हैं कितने मैनेज नहीं हुई हुई हैं, ऐसी पड़ी हुई हैं। और जो बैटरी के टर्मिनल हैं वो तो मेन है, वो अगर मिल जाए तो काफ़ी शॉर्टेज हो सकती है, इसलिए हम उस पर भी स्लीविंग करेंगे और हेडलाइट के होल्डर पर भी स्लीविंग करेंगे। बैटरी के टर्मिनल पे स्लीविंग करने के बाद हम इस पर टेपिंग करेंगे, नेगेटिव पे ब्लैक टेपिंग करेंगे और पॉजिटिव पे रेड टेपिंग करेंगे, ताकि एक क्लीन लुक आ जाए और इंजन पे साफ सुथरा भी लगे। और जो पार्किंग की वायरिंग है उस पर हमने टेपिंग कर दी है। तो ये आप देख सकते हैं कितना क्लीन लुक आ रहा है। ये ड्राइविंग साइड वाला पिलर भी देख सकते हैं, इस पर साफ सुथरी वायरिंग करिए, और ये सीएनजी और ये स्पार्क प्लग देखें, नीचे तक टेपिंग करिए ताकि पानी ना जाए। और ये बैटरी साइड वाले टर्मिनल साइड और ये पार्किंग वाली साइड, हर जगह स्लीविंग करिए, और कितना क्लीन लुक आ रहा है। अगर वीडियो को पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।